हेलो फ्रेंड्स, दुर्गा शाला में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक का अपना ये पैटर्न बना लिया था, अब हम इससे आगे का अपना ये पैटर्न बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक का हमने अपना ये स्वेटर बना लिया था, हमने नीचे का बॉर्डर और यहाँ तक का पैटर्न, अब हम इससे आगे बनाएंगे। तो इससे आगे अब हम अपना पूरा, जैसे हमने ये नीचे वाला बनाया है ऐसे ही हम ऊपर बनाएंगे। दोनों तरफ से हम सीधी सीधी सिलाई निकालते हुए ही बनाएंगे। तो हमारी ये देखिए पैटर्न के बाद पहली सिलाई है, तो इस सिलाई को हम पूरा अपना सीधी सीधी बनाते हुए निकाल लेंगे। तो ये सिलाई हम अपनी सीधी सीधी बनाते हुए निकाल लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई हमने अपनी पूरी सीधी बनाते हुए निकाल ली है। अब हम इसकी उल्टी तरफ आ गए हैं, तो उल्टी तरफ से भी हम अपनी ये पूरी सिलाई ऐसे सीधे वाली ही निकाल लेंगे। दोनों तरफ से हम अपनी ये पूरी सिलाई सीधी सीधी ही बनाएंगे। तो ये देखिए, ये सिलाई भी हम सीधी ही बना रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हम अपनी बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई भी हमने अपनी पूरी सीधी बना ली है उल्टी तरफ से। अब हम दोबारा से इसकी सीधी तरफ आ गए हैं, और देखिए दो सिलाई निकालने के बाद हमारी एक रो यहाँ पर ये ऐसी बन गई है जैसी हमारी नीचे है। तो अब हम इसकी सीधी तरफ से भी फिर दोबारा से ऐसे ही सीधी सिलाई निकाल लेंगे। इधर से भी सीधी सिलाई और दूसरी साइड से भी सीधी सिलाई। तो फ्रेंड्स, हम अपने इसी तरीके से दोनों साइड से सीधा सीधा बनाते हुए, ये देखिए इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए अपनी इसकी लंबाई बनाएंगे। ऐसे ही दोनों साइड से सीधा सीधा, तो हम ये बनाते हुए अपने स्वेटर की लंबाई बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पैटर्न की लंबाई बना ली है, अपने पूरे स्वेटर की इसकी पैटर्न भी बना लिया और नीचे ऊपर की दोनों हमने लंबाई भी बना ली है। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए, हमने जो ये लंबाई बनाई है, इसकी पूरी लंबाई में हमने 20 सिलाइयाँ अपनी नीचे बॉर्डर में निकाली है, ये वाली सिलाइयाँ। उसके बाद 16 सिलाइयाँ हमने अपनी पैटर्न में निकाली है, और 24 सिलाई, 24 सिलाई हमने अपने ऊपर ये निकाली है यहाँ पर लंबाई के लिए। तो ये हमारी 12 रो यहाँ पर हैं। तो हमारी यहाँ पर ये 12 रो हैं, यहाँ पर हमारी 4 डिब्बी हैं 16 सिलाई के लिए, और यहाँ पर हमारी 10 रो यहाँ पर बनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये 12 रो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1, ये 12, 12 रो हमने बनाई है। तो हमारी इसकी लंबाई बन चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी इसकी लंबाई हमने बनाई है यहाँ से 6.5 के करीब हमारी ये लंबाई है, 6.25 है, 6.25 के इंच हमारी ये लंबाई है। तो अब हम इसमें ऊपर बनाएंगे, तो इसमें सबसे पहले हम फ्रंट पीस का मोड़े की बनाएंगे लंबाई। तो उसके लिए हमारे देखिए फ्रंट पीस के 34 फंदे हैं, दूसरे फ्रंट पीस के भी हमारे 34 फंदे हैं, बैक साइड के हमारे इसमें 60 फंदे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने अलग अलग पार्ट करेंगे। पहले हम अपना इधर का फ्रंट साइड का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्टिंग के जो हमारे पट्टी के ये 4 फंदे हैं, इन्हें हम बंद करेंगे 4 फंदों को। तो पहला फंदा हम अपना ऐसे उतार लेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा हमने बंद किया, सीधा बुना, इसको भी बंद किया, 2, 3 और 1, ये 4, 4 फंदे हमने बंद किए। अब एक फंदा हमारा ये है और एक फंदा और हम आगे से सीधा बुनेंगे। यहाँ पर हमारे 2 फंदे हो गए हैं, अब आगे धागा करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा हमने उल्टा बुना, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और 1, 2, 2 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 1, ये 3, 3 फंदे हमने उल्टे बुने, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 1 और 1, ये 2, फिर से 3 फंदे उल्टे,
ऐसे बुनते हुए फ्रेंड्स हम अपने 30 फंदे बुनेंगे। 34 फंदे थे हमारे, 34 फंदे, 34 फंदे में से हमने 4 फंदे बंद कर दिए हैं। अब हम आगे अपना ये पैटर्न बनाएंगे। तो हमने 2 फंदे सीधे किए, एक उल्टा, 3, फिर 2 सीधे, 5, फिर 3 उल्टे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 3 उल्टे करे हमने ये लास्ट में। अब 2 फंदे सीधे करेंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 × 24 = 25, 25 फंदे हमारे हो गए हैं ये। आगे धागा करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे और फिर लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो यहाँ पर हमारे ये 30 फंदे हमने बुने हैं, 4 फंदे हमने यहाँ पर अपने ये बंद किए थे। तो अब आगे हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, 15 × 30, 30 फंदे हमने अपने ये बुन लिए हैं। यहीं से हम सिलाई को वापसी करेंगे। अब उल्टी सिलाई हम अपनी जैसा हमें फंदा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुनेंगे। इधर से सीधे फंदे बुने लास्ट के दो, तो इधर से हम इनको उल्टा बुन देंगे, धागा पीछे करेंगे, इधर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे। तो जो फंदा हमारा जैसा है उसको हम वैसा ही बुनते हुए सिलाई निकाल लेंगे। ये सिलाई बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर मैंने अपने 2 फंदे उल्टे बनाए हैं, पहले 3 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमारा एक फंदा सीधा बनेगा, इधर से हमने एक फंदा उल्टा बनाया था, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 2 फंदे अपने ये उल्टे बना लेंगे। तो अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं, अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं और हमारी ये तीसरी सिलाई है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम अपने स्टार्टिंग के 2 फंदे सीधे ही बनाएंगे, उसके बाद धागा आगे करेंगे, एक फंदा अपना ये उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे करेंगे। अब जो हमारे ये 3 फंदे उल्टे हैं इसमें से हम 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए 2 फंदे लेंगे, एक और एक इसके पीछे वाला, 2 फंदे लिए, 2 फंदों का उल्टा बुनते हुए हम 1 कर देंगे। एक फंदा और आगे हमारा उल्टा है, इसे हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदों में से फिर हम 2 फंदों का 1 करेंगे। देखिए ये हमारे 3 फंदे उल्टे हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 3 फंदों में से 1 और एक ये 2, 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे। एक फंदा आगे उल्टा है, इसे उल्टा बना लेंगे। अब दो दो फंदे यहाँ पर हमारे उल्टे हो गए हैं, धागा पीछे करेंगे, फिर से 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे हैं, 3 फंदों में से फिर से हम 2 फंदों का 1 कर देंगे और एक फंदा उल्टा है, इसे भी उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदों में से फिर से हम 1 और एक ये 2, 2 फंदों का 1 किया और एक फंदा ये उल्टा बनाया, 2 फंदे उल्टे बन गए। अब 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, 1, 3 फंदे उल्टे हैं, 3 में से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा और बच गया, इसे भी उल्टा बना लेंगे, लास्ट के 2 फंदे हमारे ये सीधे बनेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 5 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए हैं। तो अब हम इसकी उल्टी साइड है, उल्टी साइड से हम जैसा हमारा फंदा है वैसे बुनते हुए बना लेंगे। पहले 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। तो ये सिलाई हम सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा बनाते हुए निकाल लेते हैं। अब हम लास्ट में आ गए हैं, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे बनाते हुए। अब यहाँ पर मेरा एक फंदा सीधा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे। तो ये सिलाई भी हमारी निकल चुकी है, अब हम इसकी सीधी साइड है, अब हम सीधी साइड है, सीधी साइड से हमारी ये 5वीं सिलाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने 2 फंदे सीधे ही बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, तो धागा आगे करेंगे।
अब यहाँ पर हमारे ये दो फंदे उल्टे हैं, एक और एक, ये दो दो फंदों का हम एक कर देंगे। दोनों फंदे लेंगे, ये देखिए दो फंदे हमारे उल्टे, एक और एक, ये दो दो फंदे लिए, दो फंदों का एक किया, धागा पीछे, फिर दो फंदे सीधे, धागा आगे, फिर से हमारे दो फंदे उल्टे हैं, एक और एक, ये दो दो फंदों का फिर एक कर देंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे हैं, दोनों फंदों को लेंगे और दो फंदों का फिर से एक कर देंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे हैं फिर हमारे उल्टे, एक और एक, ये दो दो फंदों का एक कर देंगे, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, दो फंदे उल्टे हैं, फिर से हम दो फंदों का एक कर देंगे, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब पांच फंदे हमने पहले घटाए थे, पांच फंदे हमने अब घटा दिए हैं, तो अब हमारे ये टोटल 10 फंदे इसमें घट गए हैं, 10 फंदे यहाँ से और 4 फंदे पट्टी के, तो इसमें हमारे टोटल 14 फंदे हमने घटा दिए हैं। अब ऊपर मेरे यहाँ पर ये 20 फंदे बचे हैं, इन 20 फंदों को अब हम अपना बुनेंगे। उल्टी तरफ से हमारी छठी सिलाई है, तो इसे हम दो फंदे उल्टे, एक फंदा हमारा ये सीधा बुनेगा उल्टी साइड से, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, तो हम अपने इसी तरीके से बुनते हुए ये सिलाई बना लेंगे। तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी निकाल ली है, अब हम इसकी सीधी तरफ हैं, और सीधी तरफ से हमारी अब ये 7वीं सिलाई है, तो 7वीं सिलाई में अब हम अपने जैसा फंदा हमारा है वैसा ही हम बुनेंगे, दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, अब कोई फंदा नहीं घटाएंगे हम, फंदे हमने जितने घटाने थे घटा लिए हैं। अब हम इसमें देखिए दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, दो फंदे सीधे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरीके से बनता हुआ जाएगा। तो अब हम इसकी उल्टी तरफ है, 8वीं सिलाई है हमारी, उल्टी तरफ से भी हम ऐसे ही बनाएंगे। हमारे पहले दो फंदे उल्टे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम दोनों तरफ से सिलाई निकालते हुए अपने इधर के फ्रंट साइड के मोड़े की लंबाई बना लेंगे। हम देखिए इसी तरीके से बनाते हुए इन 20 फंदों को हम अपने बुनेंगे, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे हमारे सीधी साइड से, और जब उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे, दो उल्टे एक सीधा, दो उल्टे एक सीधा, तो ऐसे ही बुनते हुए हम अपनी ये मोड़े की लंबाई बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने मोड़े की लंबाई पूरी बना ली है। इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक की टोटल इसमें 38 सिलाइयाँ निकाली हैं, 6 सिलाइयाँ हमारी कटाई की, 32 सिलाइयाँ हमने ऊपर निकाली है। तो इसका फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से यहाँ तक का बनाने के लिए मैंने इसमें 20 सिलाइयाँ नीचे निकाली, 16 सिलाइयाँ हमारी पैटर्न की हैं, 24 सिलाइयाँ फिर हमारी इस वाले पैटर्न की है, 6 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर घटाई की हैं जो हमने घटाई की थी, 32 सिलाइयाँ हमारी इसके ऊपर हमने निकाली है। तो हमारा का पीस बनकर ये तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे ये फंदे हैं इन्हें हम अपने इस सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे, बिना बुने ही सारे फंदों को उतार लेंगे। तो ये फंदे हम उतार लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे हमने अपने इस सिलाई में उतार लिए हैं, धागा हमने थोड़ा लंबा करके काटा है, जब हम मोड़े ज्वाइन करेंगे तो इसमें हमारे काम आएगा। तो अब हम अपना बैक पीस बनाएंगे, 60 फंदे हम अपने बैक पीस के बुनेंगे, तो यहाँ से हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे इसमें। तो देखिए, हम अपना ये धागा ले लेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये यह हमने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन किया, तो इसके बाद हम इसको एक बार ऐसे ऊपर से ले जाते हुए बुन देंगे। दो फंदे हमने सीधे बुने, धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, इस धागे को हम दबा देंगे यहाँ पर, दो फंदे फिर से हमारे ये सीधे बनाएंगे हम, दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से हम अपने धागे को दबाएंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे।
दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, धागे को दबाएंगे पर और दो फंदे हम सीधे बना देंगे। देखिए यहाँ से इस धागे को, ये हमने अपना धागा भी दबा दिया और धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा पीछे, इस धागे को फिर से दबाएंगे एक बार और दो फंदे हम अपने ये सीधे बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपने ये 60 फंदे बना लेंगे, दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा बनाते हुए 60 फंदे हम बुन लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में आ गए हैं और मेरे लास्ट में तीन फंदे अभी यहाँ पर हमारे बचे हैं। हमने यहाँ से 57 फंदे बुन दिए हैं, तो ये मेरे दो फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा मैंने बुना है। अब लास्ट में तीन फंदे हैं, तो तीन फंदों को हम सीधा ही बना देंगे लास्ट के। देखिए तो लास्ट में मेरे इधर की साइड तीन फंदे हैं और इधर की साइड मेरे दो फंदे हैं। तो अब हम इसको उल्टी साइड पर हैं, अब हम इसकी, तो उल्टी साइड से अब हम पहले अपने इधर की साइड से तीन फंदे उल्टे बुनेंगे। जो हमने इधर से सीधे बनाए, इधर से हम इनको उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदे उल्टे। तो देखिए इसी तरीके से हम अपनी ये सिलाई भी बना लेंगे। स्टार्टिंग के सिर्फ हमारे तीन फंदे उल्टे हैं, इधर से तीन फंदे सीधे हैं, फिर एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे, एक सीधा, दो उल्टे। तो इसी तरीके से ये सिलाई हम अपनी पूरी कंप्लीट करेंगे। तो ये सिलाई फ्रेंड्स हमने अपनी बना ली है। अब हम इसकी सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से आप देखिए, हम जैसे हमने पहली सिलाई निकाली वैसे ही बुनेंगे। दो फंदे सीधे, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदे सीधे। तो इसी तरीके से हम अपनी यहाँ पर ये 38 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर अपनी 38 सिलाइयाँ निकाली हैं, तो यहाँ पिछली बैक साइड में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, सीधा ही बुनते हुए हम अपना जाएंगे ये। तो यहाँ तक के हम लास्ट में तीन फंदे हमारे सीधे हैं, बाकी हमारे दो सीधे एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा है। तो ऐसे ही बनाते हुए हम अपनी 38 सिलाइयाँ यहाँ पर निकाल लेते हैं। दो सिलाइयाँ हमने निकाल लिया, तीसरी हमने स्टार्ट की है। दो सिलाइयाँ बनने के बाद 36 सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर बच चुकी हैं, तो हम अपनी 36 सिलाइयाँ और बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बैक पीस की लंबाई भी मोटे की पूरी बना ली है। इसमें हमने कोई घटाई नहीं की है, सिंपली हमने इसमें दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा करते हुए अपना ये बनाया है। तो इसमें भी मैंने जितनी अपनी यहाँ पर 38 सिलाइयाँ निकाली थी, इसमें मैंने अपनी 38 सिलाइयाँ यहाँ पर मैंने निकाली हैं। नीचे से हमारी 20 सिलाइयाँ हैं। देखिए बॉर्डर में यहाँ पर 20, फिर 16, 24 और यहाँ पर 38। तो अब हमारी ये पिछले पीस की, बैक पीस की लंबाई बनकर तैयार है मोटे की। तो अब हम अपने इन दोनों पीस को ज्वाइन करेंगे, फ्रंट साइड के पीस को और बैक पीस को। तो ये हमारा सीधा पीस है और इधर से हमारा ये उल्टा पीस है। इन दोनों को आपस में हम पकड़ेंगे यहाँ से। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों को हम ऐसे पकड़ेंगे। फ्रंट पीस में मेरे यहाँ पर 20 फंदे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 फंदे हैं और 20 फंदे ही हम बैक पीस के लेंगे। दोनों को हम आपस में ऐसे पकड़ते हुए एक फंदा हम फ्रंट पीस में से लेंगे और एक फंदा बैक पीस में से, और दो फंदों का एक करेंगे। देखिए दो फंदों का हमने एक किया, फिर दोबारा से एक फंदा आगे वाली सिलाई में से, एक फंदा पीछे वाली सिलाई में से, फिर दोबारा से हम दो फंदों का एक कर देंगे। अब हम जो पहला फंदा है वो दूसरे फंदे में से उतार देंगे। फिर दोबारा से हम ऐसे ही दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और फिर दोबारा से पहला फंदा उसके ऊपर से उतार देंगे। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लिया, दो फंदों का एक किया और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम अपने ये 20 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए हमारे ये फ्रंट पीस के 20 फंदे थे, तो हम 20 फंदे ये ऐसे ही हम अपने ये बंद कर लेंगे। दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और दो फंदों का एक किया और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार देंगे। तो हम अपने ये दोनों पीस ज्वाइन कर लेते हैं।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये फंदे मैंने अपने बंद कर दिए दोनों तरफ से, 20 फंदे इधर से, 20 फंदे इधर से। अब ये हमारा फंदा है और हमारा एक धागा इधर वाला इसमें से था, ये देखिए ऐसे। तो अब हम इस धागे को यहाँ पर दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये धागा हमने अपना यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है, और जो हमारा ये धागा है इससे हम आगे के इधर से 34 फंदे हमारे ये हैं। अब जो बैक पीस के फंदे हैं 20 फंदे छोड़कर बीच में से हम अपने ये 20 फंदे बंद करेंगे। तो देखिए एक एक फंदा जैसे है हमारा उसी तरीके से बुनेंगे। अब हमारा आगे एक उल्टा फंदा है तो हम आगे एक उल्टा फंदा बुनेंगे, और जो हमारा पहले से सिलाई में फंदा है वो फंदा हम इसके ऊपर से उतार देंगे। अब एक फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और पहला फंदा इसके ऊपर से उतारेंगे। दूसरा फंदा सीधा है, इसे भी सीधा बुनकर ये फंदा इसके ऊपर से उतारेंगे। एक फंदा हमारा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनते हुए उतारेंगे। ऐसे ही हम अपने यहाँ पर ये 20 फंदे बंद कर लेंगे। बैक पीस के हमारे 20 फंदे हैं, बीच में 20 फंदे हमारे इधर हैं, 20 फंदे इधर और 20 फंदे इधर। टोटल हमारे बैक पीस में 60 फंदे हैं, तो 20 इधर 20 इधर हो जाएंगे 40, और 20 फंदे हमारे बीच में हम ये बंद कर लेंगे। तो हम अपने ये 20 फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने 20 फंदे ये बीच के बंद कर दिया यहाँ से। तो अब हमारे इधर ये 20 फंदे बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और एक फंदा हमारा ये है, 20 फंदे बचे हैं। तो इन 20 फंदों को हम अपनी इस सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे बिना बुना। तो देखिए इस तरीके से हम अपने इन फंदों को इस सिलाई में उतार लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा यहाँ पर ये धागा था हमने कट कर लिया है। अब हम अपना ये इधर का फ्रंट पीस बनाएंगे। तो फ्रंट पीस इधर का हमारा ये लेफ्ट साइड का है, इधर से हमारा ये सीधा है। तो लेफ्ट साइड के पीस में हम पहले इधर से अपने 2 फंदे सीधे बनाएंगे, देखिए यहाँ से ऐसे 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। दो फंदे हमने सीधे बनाए क्योंकि देखिए इधर से हमारे ये लास्ट में यहाँ पर फ्रंट साइड के 2 फंदे सीधे हैं, 3 फंदे उल्टे हैं। तो यहाँ से भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, 2 फंदे हमने अपने ये उल्टे बनाए। अब आगे धागा करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे। तो धागे को हम यहाँ पर ऐसे दबा देंगे, ये हमारा राइट साइड है और ये इधर से रोंग साइड है। तो 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा और सीधा, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 3 फंदे उल्टे। तो हम अपनी ये सिलाई इसी तरीके से बना लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में हैं, 3 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पर हमारा एक फंदा उल्टा बनेगा, धागा पीछे, 2 फंदे हमारे ये यहाँ पर सीधे बनेंगे और पट्टी के हमारे 4 फंदे सीधे बनाएंगे हम। ये हमने पट्टी के बनाए। अब हम इसकी उल्टी तरफ आ गए हैं। उल्टी तरफ से पहले हम अपने ये पट्टी के 4 फंदे बंद करेंगे। पहला फंदा ऐसे ही उतारेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे। तो पहले फंदे को हम दूसरे फंदे पे से उतार देंगे, 1 2 3 और एक ये 4, 4 फंदे हमने बंद किए। अब जैसे हमारा पैटर्न है वैसे ही बनाएंगे, एक फंदा हमारा ये उल्टा हो जाएगा, एक फंदा और आगे से उल्टा, एक फंदा सीधा, 3 फंदे, 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ये सिलाई हम अपनी इसी तरीके से निकाल लेंगे, 2 3 सीधे 2 उल्टे। अब हम अपनी सीधी तरफ आ गए हैं। तो हमारी ये तीसरी सिलाई है। जैसे हमने अपनी तीसरी सिलाई में यहाँ पर फंदे घटाए थे, ऐसे ही हम यहाँ पर भी घटाएंगे। देखिए पहले हम अपने 2 फंदे सीधे बना लेंगे, फिर आगे धागा करेंगे, 3 फंदे उल्टे हैं, इसमें से 2 फंदे लेंगे, 2 फंदों का 1 कर देंगे, फिर एक फंदा हमारा ये उल्टा बनेगा,
फिर दो फंदे सीधे, फिर आगे धागा तीन फंदों में से दो फंदे लिए, दो का एक, फिर एक फंदा उल्टा। तो जैसे हमने फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी सीधी साइड में 2 बार घटाई की थी, 2 सिलाई में, सीधी सिलाई में, तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी अपनी घटाई करेंगे और उसके बाद अपने मोढ़े की लंबाई बनाते हुए ये सिलाइयाँ जितनी यहाँ पर निकाली हैं इतनी हम यहाँ पर निकालेंगे। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम अपना इधर वाला ये बनाएंगे। तो हम अपना ये बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना इधर के मोड़े की भी लंबाई बना लिया, लेफ्ट साइड का था हमारा ये। जैसे हमने अपना ये राइट साइड का बनाया था ऐसे ही बिल्कुल सेम हमने यहाँ से भी बनाया है। 20 फंदे यहाँ पर मेरे बचे हैं और 20 फंदे मेरे बैक साइड से हैं। अब हमें इन दोनों को आपस में ऐसे पकड़ते हुए, ये सीधे साइड है, ये रोंग साइड है, तो दोनों को हम आपस में पकड़ते हुए जैसे उधर से बंद किया है ऐसे ही हम अपना इधर से भी ये मोढ़ा ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे और दो फंदों का एक करेंगे। फिर दोबारा से दोनों सिलाई में से एक एक फंदा लेंगे, दो फंदों का एक किया और ये पहला फंदा दूसरे फंदे पे से उतार देंगे। फिर दोबारा से दो फंदे लिए, दो का एक और पहला फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे ही फ्रेंड्स हम अपने सारे फंदे बंद करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे बंद कर दिए हैं, लास्ट का एक फंदा बचा है और धागा भी हमने यहाँ पर अपना ये कट कर दिया है। अब इसके अंदर से हम अपने इस धागे को निकाल कर इस फंदे को भी यहाँ पर बंद कर देंगे। ये हमने फंदा बंद कर दिया। अब हमारा एक धागा ये इधर है तो दोनों धागों में ज्वाइन करके हम एक गांठ लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमने ये गांठ लगाई। अब हम इस धागे को इधर की साइड, अंदर की साइड पक्का कर देंगे इधर से भी, और एक धागा हमारा इधर है इसको भी हम अंदर की साइड पक्का करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर बन चुका है। हमने अपने धागे दोनों साइड से पक्के कर दिए हैं। अब हम इस पर चिट बटन लगाएंगे। तो चिट बटन हमने देखिए ये वाला हमने ये चिट बटन लिए हैं। तो इसके दो पीस में से हम जो हमारा एक ये पीस होता है ये हम इधर वाले रोंग साइड में लगाएंगे, लेफ्ट साइड में, और ये वाला हम राइट साइड में लगाएंगे। तो इसके लिए हम देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसको हम ऐसे रखेंगे, जो इस चिट बटन का हमारा ये उठा हुआ पार्ट है इसको हम ऊपर करेंगे। नीचे से सुई को निकालते हुए इसके छेद में से यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे। फिर इससे आगे वाले छेद में से नीचे लेकर जाएंगे, 4 छेद हमारे इस पर ये। फिर इससे आगे वाले में से ऊपर लेकर आएंगे, फिर इससे आगे वाले में से फिर नीचे लेकर जाएंगे। तो इसी तरीके से हम अपना ये चिट बटन यहाँ पर फिक्स करेंगे। देखिए इस तरीके से, तो हम ये लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने लगा लिया है। अब हम इधर की साइड वाला लगाएंगे। तो इधर की साइड हम ये वाला पार्ट ऊपर करेंगे और जो ये वाला पार्ट है ये हम नीचे करेंगे। तो इसको हम, ये हमारा राइट साइड है, सीधा पार्ट है, और इधर से उल्टी वाला है, तो उल्टी साइड में हम इसको, तो देखिए इसको हम इधर उल्टी साइड में हम इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद इधर से ही हम इसको अब लगाएंगे, धागे को इधर से ही निकालेंगे। देखिए एक एक छेद को हम ऐसे सीलते हुए इसको यहाँ पर पक्का करेंगे। अब इससे आगे वाले छेद में, तो ऐसे ही हम अपने ये पूरा लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना ये चिट बटन लगा लिया है दोनों साइड में। अब हम अपने बटन को बंद करेंगे। तो हमारा ये बटन बंद हो चुका है और हमारा स्वेटर बनकर तैयार है। थैंक यू फ्रेंड्स।